अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा साइटोप्लाज्म। ठीक है जी। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? बेसिकली सेल मेम्ब्रेन को अगर हम लोग एक सेल है तो सेल उसकी पहचान कैसे होती है? क्योंकि सेल के इर्द गिर्द एक बाउंड्री होती है जिसे आप लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हो और इसके अंदर न्यूक्लियस बाकी ऑर्गेनेल्स वगैरह होती है। तो अगर एक सेल की बाउंड्री जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं उसे निकाल दें तो पीछे जो सेल के अंदर बच जाएगा हम लोग नॉर्मली उसे साइटोप्लाज्म कह रहे होते हैं। ठीक है जी। तो इसकी डेफिनेशन प्रॉपरली अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो क्या जी? लिक्विड और जेली लाइक। ठीक है जी। लिक्विड और जेली लाइक सॉल्युबल पोर्शन। ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है जी। लिक्विड लाइक हो सकता है, ये जेली लाइक हो सकता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, ये सॉल्युबल पोर्शन होगा सेल का, सॉलिड नहीं होगा। ठीक है जी। सॉल्युबल पोर्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और इसकी अगर हम लोग दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या है जी? एवरीथिंग बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है जी। तो आसान अल्फाज में जो साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन हो सकती है वो क्या है जी? एक सेल के सेंटर में जो न्यूक्लियस है और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान ये जितना भी पोर्शन है इसके अंदर जो कुछ आता है हम इस सारे पोर्शन को किस नाम से बुला रहे हैं? साइटोप्लाज्म के नाम से बुला रहे हैं। ठीक है जी। तो जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म होता है इसके मतलब डिफरेंट थ्योरीज आती रही हैं। केमिकल कंपोजिशन कैसी हो सकती है, उस केमिकल कंपोजिशन की शेप कैसी हो सकती है, वो फिजिकल नेचर किस तरह की दे रहा है, उसकी केमिकल नेचर क्या हो सकती है, तो एक एक करके हम लोग वो स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो साइटोप्लाज्म की नेचर की तरफ आते हैं जी, हम लोग साइटोप्लाज्म इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं। ठीक है जी। हम लोग इसकी बात करते हैं साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन। तो साइटोप्लाज्म को डिफरेंट एराज में डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया। तो आजकल मोस्ट कह लेंगे एडवांस टाइप चल रही है, मोस्ट एडवांस जो साइटोप्लाज्म के तल में कहा जाता है, साइटोप्लाज्म को हम लोग चार बेसिक पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी। तो साइटोप्लाज्म की अगर हम लोग कंपोजिशन की बात करें तो साइटोप्लाज्म फोर फेज के ऊपर कंसिस्ट करता है, फोर डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर कंसिस्ट करता है। वो कौन कौन सी हैं वो हम लोग स्टडी करते हैं जी। तो हमने क्या किया जी, साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर दिया फोर स्टेजेस में कि साइटोप्लाज्म चार चीजों के मिलने से बनता है। वो चार चीजें कौन कौन सी हैं? नंबर वन सबसे पहले जो इसके अंदर आती है वो है मेम्ब्रेनल बॉडीज। ठीक है जी। साइटोप्लाज्म कि जो सबसे पहली कंपोजिशन में आती है किन चीजों से मिलकर बनता है, उसमें है मेम्ब्रेनल बॉडीज। नंबर टू इसके अंदर आता है साइटो स्केलेटन। ठीक है जी। नंबर थ्री इसके अंदर जो आता है वो है ग्रैन्यूल्स। एंड नंबर फोर जो इसके अंदर आता है वो है साइटोसोल। ठीक है जी। साइटोप्लाज्म यूकैरियोट के सेल की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है इसे हमने फोर बेसिक पार्ट में डिवाइड किया है। ये चार हिस्से जब मिलते हैं तो सेल का साइटोप्लाज्म बनता है। ठीक है। कौन कौन से हैं? नंबर वन मेम्ब्रेनल बॉडीज, नंबर टू साइटोस्केलेटन, नंबर थ्री ग्रैन्यूल्स एंड नंबर फोर साइटोसोल। बेसिकली ये पहले नंबर पर आता है लेकिन हमने यहाँ पर ऐसे ही लिखा है। अब इसमें जो मेम्ब्रेनल बॉडी है इससे मुराद वो ऑर्गेनेल्स होंगी जिनकी मेम्ब्रेन्स होती हैं, या जब हम लोग प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल का डिफरेंस बता रहे होते हैं तो वो ऑर्गेनेल्स जो हम लोग कहते हैं कि प्रोकैरियोट में नहीं होती यूकैरियोट्स के अंदर पाई जाती हैं, वो सारी ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेनल बॉडीज का हिस्सा हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं जी वो? सबसे पहले तो न्यूक्लियस, देन उसके बाद एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, देन उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया,
देन उसके बाद पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइऑक्सिसोम, लाइसोसोम्स, ठीक है, ये क्या होती है, दे आर द मेम्ब्रेनल बॉडीज, मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेल्स विच आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में होती हैं, ठीक है जी। देन उसके बाद साइटोस्केलेटन की बात करें तो ये तीन हिस्सों से मिलकर बनता है, जिसे हम लोग वैसे भी पढ़ते रहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, देन उसके बाद माइक्रोफिलामेंट एंड लास्ट इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है जी। ये तीन स्ट्रक्चर मिलके क्या कहते हैं, एक सेल का स्केलेटन बनाते हैं, जिस तरह ह्यूमन का स्केलेटन बोन्स और कार्टिलेज और कनेक्टिव टिश्यू मिलके बनाते हैं, इस तरह जो सेल का स्केलेटन है, सेल की जो शेप है ज़ाहरी, उसे बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जो स्केलेटन होता है, वो इन तीन चीज़ों से मिलके बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये क्या कहते हैं, एक सेल की शेप बनाते हैं, उस शेप को चेंज करते हैं, डिवीजन के दौरान शेप की चेंज हो रही होती है, एनिमल में अगर हम लोग बात करें तो क्लीवेज फर जिसे हम लोग कहते हैं वो बन रही होती है, उसे करवा रहे होते हैं, माइटोटिक ऑपरेटस में यूज होते हैं, सेल की शेप चेंज करनी है वो भी साइटोस्केलेटन के जिम्मे है, कौन सी शेप मेंटेन रखनी है वो भी साइटोस्केलेटन के जिम्मे होती है। देन उसके बाद आती है ग्रैन्यूल्स, यानी कि साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जो ग्रेन्यूल से मिलकर बना है, वो दानेदार हिस्सा है, ठीक है। अभी हम लोगों ने साइटोसोल की थ्योरी और यहाँ साइटोप्लाज्म की फिजिकल नेचर की थ्योरीज पढ़नी है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि एक ग्रैन्यूलर थ्योरी भी होती है। तो इसमें ग्रेन्यूल्स में नॉर्मली हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक है राइबोसोम जो कि ज़ाहिर सी बात आएंगे, और दूसरा है वैक्यूल, ठीक है जी। इन दोनों को ग्रेन्यूल्स या ग्रेन्यूलर बॉडी कहा जाता है साइटोप्लाज्म की। उसके बाद साइटोसोल की तरफ आते हैं तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग करें तो वो ये लिखी जाती है, ये है जी सॉल्युबल लिक्विड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पोर्शन होगा उससे हम लोग कहते हैं साइटोसोल, ठीक है जी। अब मेम्ब्रेनल बॉडीज, क्योंकि हमने पहले बात की कि हम लोग ये यूकैरियोटिक सेल के लिए ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो यूकैरियोटिक सेल के लिए ऐसा जो एक साइटोप्लाज्म होगा, एक टिपिकल साइटोप्लाज्म है, उसको हम लोग ये चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं कि जब ये चारों हिस्से मिलते हैं तो क्या बनता है, साइटोप्लाज्म। इसमें जो मेम्ब्रेनल बॉडीज होती हैं, ठीक है, ये ऑर्गेनेल्स हैं, इसके अलावा भी दीगर हो सकती हैं। साइटोस्केलेटन में ये तीन फिलामेंट्स आ जाते हैं, ट्यूब्यूल्स आती हैं, ग्रैन्यूल्स में राइबोसोम आते हैं और साइटोसोल जो अभी हमने पढ़ना है। अगर हम लोग प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो उसके अंदर ये ऑर्गेनेल्स नहीं होंगी, ठीक है जी। जो राइबोसोम्स होंगे वो स्मॉलर इन साइज होंगे, 80S की बजाय कितने 70S के होंगे। वैक्यूल्स प्रोक्रियोट्स में भी होते हैं, ठीक है जी, और साइटोसोल भी प्रोक्रियोट्स में होता है। साइटोस्केलेटन के मतलब कहा जाता है कि हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन नॉर्मली होता है। अब साइटोसोल की तरफ आते हैं, जैसे कि हमने यहां पे कहा साइटोसोल क्या जी, इट इज अ सॉल्युबल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। तो जो साइटोसोल होता है, इसके आगे अब हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं, ठीक है जी, साइटोसोल की कंपोजिशन। तो जो साइटोसोल की कंपोजिशन है ये थोड़ी सी डिफरेंट है इनसे, ठीक है। वो कंपोजिशन में क्या क्या आ सकता है, इसके अंदर आते हैं जी एलिमेंट्स, देन मॉलिक्यूल्स, देन वाटर, ठीक है जी, आयंस, और आयंस जो है हम लोग एलिमेंट्स के अंदर ही हम लोगों ने पढ़ लेना। ये तीन चीज़ें होती हैं जो मिलके क्या बना रही होती हैं, साइटोसोल। आगे इनमें ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल की आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, ये विस्कस सोल है या जेल लाइक है, नॉन विस्कस सोल है या विस्कस जेल लाइक है, तो एक एक करके हम लोग उसे पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो अब हम लोग बात करेंगे साइटोसोल की। तो साइटोसोल की कंपोजिशन जैसा कि मैंने कहा था हम लोगों ने पढ़नी है, तो नॉर्मली कहा जाता है कि 99% जो साइटोसोल होता है वो वाटर से मिलके बनता है, जो कि नॉर्मली एमसीक्यू आता रहता है इंटर लेवल और बीएससी लेवल या बीएस लेवल के जो
बीएससी क्लासेस के इक्वल है, उनमें आता रहता है। लेकिन ये नॉर्मली सेल की बात करते हैं। अगर वुडी प्लांट की हम लोग बात करें तो उसमें ये 90% वाटर नहीं होता, बल्कि 20-25% वाटर हो सकता है। ठीक है, इस तरह प्लांट की डिफरेंट टाइप्स के सेल हमें मिलते हैं, एनिमल में डिफरेंट टाइप के सेल मिलते हैं जिसमें वाटर की कंपोजिशन चेंज है। जैसा कि हम लोग बात करते हैं जी एनिमल की, हम लोग बात करते हैं तो एनिमल का जो ब्रेन होता है उसके अंदर 85% वाटर होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है जी, बोन की बात करें तो उनके अंदर 20% वाटर होता है। वुडी प्लांट के अंदर हम लोग बात करते हैं उनमें भी 20% वाटर होता है। तो ये साइटोसोल के अंदर जो वाटर की कंपोजिशन है, वाटर की परसेंटेज है, ये सेल टू सेल क्या करती है, वेरी करती है। जो सेल जिस तरह की टाइप में होगा या जिसे वाटर ज़्यादा रिक्वायर है उसके अंदर वाटर ज़्यादा होता है, जिनको वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है उनके अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट के लिए ऐसे परसेंटेज भी क्या होगी, कम होती है। देन साइटोसोल की अगर हम लोग कंपोजिशन की हम लोग बात करते हैं, तो वाटर हमने अभी पढ़ लिया, इसके आगे हमने तीन इसकी कंपोजिशनें करनी है। ठीक है जी, नंबर वन एलिमेंट्स, नंबर टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, और नंबर थ्री, जो नंबर तीन है, साइटोसोल के अंदर सॉल्यूशन टाइप क्या है। ठीक है जी, ये तीन टाइप्स हैं, इन दोनों के मिलने से तीसरी टाइप बनती है। ठीक है, तो एलिमेंट की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमने कहा है कि सेल या एनिमल के अंदर जो बायो एलिमेंट्स होते हैं सेल में भी वही पाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि एलिमेंट के जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर 36 टाइप्स ऑफ एलिमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, 36 टाइप ऑफ जो है साइटोसोल के अंदर एलिमेंट पाए जाते हैं। प्लांट की बात हम लोग करें, प्लांट में यूकैरियोटिक सेल के अंदर 36 टाइप ऑफ एलिमेंट पाए जाते हैं। इन एलिमेंट्स को हम लोग फिर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक को हम लोग कहते हैं मैक्रो एलिमेंट्स और दूसरे को हम लोग कहते हैं माइक्रो एलिमेंट्स। ठीक है जी, मैक्रो एलिमेंट जाहिर सी बात है वो एलिमेंट जो परसेंटेज में ज़्यादा होंगे, जिनकी जो वेट है वो ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा मकदार में पाए जाएंगे, और माइक्रो एलिमेंट वो जिनकी तादाद कम होगी, जिनकी परसेंटेज कम होगी या जिनकी परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम ये कम होगा। तो मैक्रो की तरफ आते हैं तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं जी, इसमें सबसे पहले कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। ठीक है जी, ये वो एलिमेंट है जो एक प्लांट की बात करें तो उसके अंदर ज़्यादातर पाए जाते हैं। एनिमल के लिए ऐसे अगर हम लोग बात करें तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस ये ज़्यादा होते हैं। अब माइक्रो की तरफ आते हैं तो कुछ एलिमेंट हैं जो कि माइक्रो में चाहिए, बहुत कम तादाद में हमें चाहिए होते हैं। वो कौन कौन से हैं, उसमें कॉपर है, जिंक है, मैग्नीज है, आयोडीन है। ठीक है जी, इस तरह के एलिमेंट क्या है जी, जो हमें ट्रेस अमाउंट में चाहिए होते हैं। और सल्फर ले लें इसमें, एनिमल में सल्फर माइक्रो में आ जाती है, प्लांट में सल्फर माइक्रो में आ जाती है। अब जब ये बायो एलिमेंट्स मुख्तलिफ रिएक्शंस के जरिए आपस में जुड़ते हैं केमिकल बॉन्ड के, कोविलेंट बॉन्ड, नॉर्मली कोविलेंट बॉन्ड ही पाया जाता है, वजह एनिमल प्लांट जो होते हैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, तो जब ये जुड़ते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो हम इसे मैक्रो और माइक्रो में डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसे नेचर वाइज डिवाइड कर देते हैं कि मॉलिक्यूल्स इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है। ठीक है जी, कार्बोहाइड्रेट्स में भी दो क्लास, मोनो क्लास और ओलिगो। ठीक है जी, मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड ज़्यादातर हमें साइटोप्लाज्म में ज़्यादा मिलते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है जी, लैक्टोज ये वगैरह हमें ज़्यादा मिलते हैं। देन उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर भी वही शर्त है कि प्रोटीन हमें सेल में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों, प्रोटीन सेल से मिलने से बनती है। तो प्रोटीन के लिए ऐसे देखें तो अमीनो एसिड और कुछ पेप्टाइड्स। ठीक है जी, अमीनो एसिड और कुछ पेप्टाइड्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में हमें मिलते हैं। देन उसके बाद लिपिड्स आ जाती हैं। अगेन लिपिड्स के लिए भी वही कंडीशन एप्लीकेबल होती है कि लिपिड्स खुद मैक्रोमॉलिक्यूल है तो ये नहीं ज़्यादा तादाद में होंगे। इनमें क्या आ सकता है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्टीरॉयड, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं जो कि
लिपिड्स की टाइप में आती होंगी। देन न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए, आरएनए, एटीपी, एनएडी, एफएडी, जीटीपी, ठीक है जी, सीटीपी और एटीपी हो गया, यूटीपी, ये है जी जो कि न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स हैं जो कि हमें साइटोप्लाज्म के अंदर मिलती हैं, ठीक है जी। तो ये थी साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन बाय मींस ऑफ केमिकल नेचर, ये केमिकली किन किन चीज़ों से मिलके बनी। अब हम लोग बात करेंगे साइटोप्लाज्म या साइटोसोल की जो फिजिकल नेचर है, फिजिकल थ्योरीज क्या कहती हैं कि साइटोप्लाज्म किस तरह का दिखता है या साइटोसोल किस तरह का दिख रहा होता है। ठीक है जी, तो फिजिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म या फिजिकल नेचर ऑफ साइटोसोल, वो फिजिकली अगर हमें कैसे दिखता है, वो थिक है, वो थिन है, वो फिब्रल लाइक है, ठीक है जी, वो रेटिकुलर है, वो ग्रैनुलर लाइक है, वो किस तरह का दिखता है हमें। तो जब हम लोग फिजिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म या फिजिकल नेचर ऑफ साइटोसोल की बात करते हैं तो इसके मतलब डिफरेंट थ्योरीज आती हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर पाँच हैं, ठीक है जी, मोस्ट पॉपुलर पांच थ्योरीज हैं जो साइटोप्लाज्म की फिजिकल नेचर के मतलब हमें मिलती हैं। इन पांच थ्योरीज में जो पहले नंबर पे आएगी उसका नाम है रेटिकुलर थ्योरी, ठीक है जी। नंबर वन क्या जी, रेटिकुलर थ्योरी। रेटिकुलर थ्योरी के मुताबिक जो साइटोसोल या साइटोप्लाज्म है, ठीक है, मैं दोनों अल्फाज यूज कर रहा हूं, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म है वो रेटिकुलर फाइबर से मिलके बना होगा। वो किससे मिलके बना होगा? रेटिकुलर फाइबर से, ठीक है जी। साइटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ या इज कंसिस्ट ऑफ या साइटोप्लाज्म इज अपेयर एट रेटिकुलर फाइबर्स। नंबर टू, जो दूसरे नंबर पे थ्योरी आती है वो है जी एल्वियोलर थ्योरी, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे जो थ्योरी है वो क्या है जी, एल्वियोलर थ्योरी। इसके मुताबिक जो साइटोप्लाज्म होगा या साइटोसोल होगा वो सस्पेंडेड ड्रॉपलेट या फॉर्मिंग सस्पेंशन से मिलकर बना होगा। ठीक है जी, रेटिकुलर एल्वोलर थ्योरी के मुताबिक जो साइटोप्लाज्म या साइटोसोल की अपेयरेंस होगी वो सस्पेंडेड ड्रॉपलेट हो सकते हैं या सस्पेंशन फॉर्मिंग की फॉर्म में हो सकता है। जो तीसरी थ्योरी है ठीक है जी, वो फाइबर थ्योरी है, ठीक है, फिब्रस थ्योरी भी हम लोग कहते हैं, इसे फाइबर थ्योरी भी कहते हैं, इस जो फाइबर थ्योरी है उसके मतलब क्या है जी, जो साइटोप्लाज्म या साइटोसोल है ये फाइबर इन नेचर है, कि फाइबर्स हमें नजर आते हैं, जिसे हम लोग पिछले टॉपिक में जो हमने केमिकल कंपोजिशन पढ़ा था तो हमने कहा था साइटोस्केल्टन, ठीक है। तो वो जो फाइबर्स होते हैं वो बेसिकली क्या होगा, जो फाइबर्स थ्योरी है वो ये कहती है कि साइटोप्लाज्म या साइटोसोल फाइबर इन नेचर है, उसके अंदर फाइबर्स लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जो कि फिक्स्ड हैं, वो बेसिकली क्या होगा, साइटोस्केल्टन की ही हम लोग बात कर रहे हैं। जो चौथी थ्योरी आती है जी, फोर्थ थ्योरी, वो है ग्रैनुलर,
ग्रैनुलर थ्योरी, जैसा कि हमने बात की थी जब हमने पढ़ा था कि ग्रैनुलर टॉपिक है, हमने बात की थी कि हमने पीछे भी पढ़ा है कि साइटोप्लाज्म को हम लोग चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो जो तीसरा हमने कहा था वो था ग्रैनुलर, तो ये उसी निस्बत से थ्योरी है और एल्टमैन ने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। एल्टमैन ने ये थ्योरी दी थी, इसने क्या कहा था, जो साइटोप्लाज्म है या साइटोसोल है ये ग्रैनुलर इन नेचर है, इसके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं, उन ग्रैन्यूल्स को इसने कहा था बायोप्लास्ट, ठीक है जी। इसके मुताबिक जो साइटोप्लाज्म है या साइटोसोल है वो ग्रैनुलर इन नेचर है, जो ग्रैन्यूल्स हैं उसे इसने बायोप्लास्ट का नाम दिया था। और जो फिफ्थ थ्योरी है ये कब आई थी जी, उसकी हम लोग बात करते हैं, और रीसेंट थ्योरी अभी तक ये वैलिड है, फिफ्थ थ्योरी जो है वो है कोलाइडल थ्योरी, ठीक है जी। फिफ्थ थ्योरी क्या है जी, यह है कोलाइडल थ्योरी, और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई है उसके बाद ये थ्योरी आई है, और रीसेंट या आप ये कह लें कि अभी तक जो थ्योरी वैलिड है वो ये कोलाइडल थ्योरी है। कोलाइडल थ्योरी क्या कहती है, वो कहती है कि जो डिफरेंट आयन सॉल्यूशंस के अंदर हैं, एटम्स हैं, ये पानी, जाहिर सी बात है साइटोसोल में ज़्यादा परसेंटेज वाटर की हम लोग बात करते हैं नॉर्मली, जो हम लोग कहते हैं कि ये पानी के अंदर मिक्स होकर ये सॉल्यूशन की फॉर्म में आ जाते हैं, जो कि कोलाइडल नेचर होता है, ठीक है जी, ना ट्रू सॉल्यूशन है ना ही ये सस्पेंशन है, ये कोलाइडल इन नेचर हो रहा होता है, तो सॉल्यूशन के लिहाज से हमने इसको कहा कोलाइडल थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक जो साइटोसोल है, ठीक है, उसकी दो किस्में हो सकती हैं, उसके अंदर जो सॉल्यूशंस हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक को वही नाम दिया गया है कोलाइडल और दूसरे को कहा गया है ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। एक को क्या कहा गया है कोलाइडल, दूसरे को ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन हम लोग इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल एलिमेंट मिक्स होते हैं वाटर के अंदर, मुकम्मल तौर पे हल हो चुके होते हैं, मुकम्मल तौर पे डिस्पर्सल हो चुके होते हैं, होमोजेंसिस इन नेचर आ जाते हैं, इस वजह से हम उसे क्या कह रहे होते हैं ट्रू सॉल्यूशन। जबकि कोलाइडल में क्या होता है कि सॉल्यूशन की तरह ही इसके अंदर मॉलिक्यूल्स आयन सॉल्यूशन या एटम्स इसके अंदर डिसॉल्व होते हैं, डिस्पर्सल फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये कोलाइडल नेचर होता है, उसके मुकाबले इसके अंदर थोड़े से ज़्यादा हैवी, थोड़े से ज़्यादा वजनी मॉलिक्यूल आ जाते हैं, इसके मुकाबले ये दिखने में, ठीक है जी, फिजिकली ये दिखने में ट्रू लगता है, लेकिन हमने पढ़ा कोलाइडल की ये एबिलिटी है कि ये सस्पेंशन जो टेंडल इफेक्ट है वो शो कर रहा होता है, तो लिहाजा इसे हम लोग कोलाइडल कहते हैं। और कोलाइडल की आगे दो डिवीजन हम लोग करते हैं, इसकी दो कह सकते हैं कि कोलाइडल आगे दो तरह का होता है साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में, वो दो तरह के कोलाइडल की नेचर कौन कौन सी है, एक हम लोग कहते हैं सोल और दूसरे को हम लोग कहते हैं जेल। जो सोल होता है, ठीक है जी, जो सोल होता है ये विस्कस नहीं होता, नॉन विस्कस होता है, ठीक है जी, ये डाइल्यूट होता है, ये समझ लें। जबकि जो जेल होता है ये विस्कस होता है, या हम लोग ये कह लें कि ये जेली लाइक, या कह लें जी कंसंट्रेटेड होता है। और अगर हम लोग कहें कि मिलेगा कहाँ पे, तो जो जेल होता है ये नॉर्मली साइटोप्लाज्म के पेरिफेरल पार्ट किनारों की तरफ, और ये उसके सेंट्रल पार्ट सेंटर में अंदर की तरफ मौजूद होता है। कोलाइडल, दोबारा रिपीट करके दें, कोलाइडल की दो टाइप्स है, सोल जो कि लिक्विड पोर्शन है, डाइल्यूट है, ठीक है, गाढ़ी नहीं है, और जेल जो कि गाढ़ी है, जेली लाइक इन नेचर है, पेरिफेरल पोर्शन पे हमें मिलती है। तो जो जेल होगा साइटोप्लाज्म, फर्ज करें एक सेल की हम लोग बात करते हैं, ये एक सेल है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, किनारों की तरफ जो आपको पोर्शन मिलेगा वो बेसिकली साइटोप्लाज्म या साइटोसोल का जेल वाला पोर्शन होगा, और यहाँ पे सेंटर की तरफ जो आप लोगों को मिलेगा वो साइटोप्लाज्म का सोल पोर्शन होगा। सेंटर में सोल और पेरिफेरल किनारों की तरफ कौन सा पोर्शन होगा, जेल लाइक पोर्शन मौजूद होता है। अब ये डिफरेंट नेचर फिजिकल थ्योरीज हैं जो अभी तक हम लोग जानते हैं, हमें पता है कि साइटोप्लाज्म या साइटोसोल की फिजिकल नेचर कैसी हो सकती है। अब हम लोग बात करेंगे कि साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, कि साइटोप्लाज्म कौन से काम करता है।
तो जब हम लोग साइटोप्लाज्म के फंक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहला काम ये है रिएक्शन साइट, ठीक है जी। साइटोप्लाज्म का पहला काम क्या जी, ये रिएक्शन साइट है। बहुत से केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहे होते हैं, जिसमें एक एमसीक्यू नॉर्मली आता रहता है कि ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, जिसमें ग्लूकोज को पाइरूविक एसिड में ब्रेक डाउन किया जाता है, ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, ठीक है जी। नंबर टू, इसके अलावा भी रिएक्शन होते हैं लेकिन जनरली ये एमसीक्यूज में आता है। उसके बाद नंबर टू जो इसकी जगह है, ये स्टोरेज हाउस है, ठीक है जी। ये क्या है जी, स्टोरेज हाउस है। बहुत से सेल वेस्ट या बेनिफिट्स कंपाउंड अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, जिस तरह हम लोग एडिपोज टिश्यू की बात करते हैं। जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं ये अपने अंदर अपने साइटोप्लाज्म में लिक्विड ड्रॉपलेट ऑफ लिपिड्स, लिपिड के जो ड्रॉपलेट होते हैं बिल्कुल कतरे की फॉर्म में होते हैं, इन्हें अपने अंदर स्टोर करते हैं साइटोप्लाज्म में, जिसे हम लोग चर्बी का नाम भी दे सकते हैं। कि ऐसे इंसान के एडिपोज टिश्यू जो स्किन के नीचे हैं, अंडर द एब्डोमेन हैं, ठीक है जी, अराउंड द ऑर्गन्स हैं, इनके अंदर जब लिक्विड में ड्रॉपलेट ऑफ लिपिड्स स्टोर होते हैं तो वहाँ पे चर्बी की ग्रो ज़्यादा हो जाती है। हम लोग ऐसे बंदे कहते हैं कि इसको चर्बी ज़्यादा हो गई है, ये फैट फैट्स की कंडीशन में आ गए, फैट ओबेसिटी जो बेसिकली इसके लिए टर्म यूज होती है, ये मोटा हो गया, ठीक है, तो वो स्टोरेज में भी काम कर रहे होते हैं। देन इसके अलावा ये ऑर्गेनलीज की भी जगह है, ठीक है जी, शेल्टर के, बल्कि शेल्टर नहीं, इसके लिए लफ्ज यूज होगा, हम लोग कह सकते हैं ऑर्गेनलीज प्लेस। ये ऑर्गेनलीज की जगह है जहां पे भी यूकैरियोट की हम लोग बात करते हैं, तो जो ऑर्गेनलीज होती हैं वो हमें साइटोप्लाज्म के अंदर ही मिलती हैं। कौन सी ऑर्गेनलीज, जो हमने अभी पीछे पढ़ी थी, ठीक है जी, मेम्ब्रेनल बॉडीज के नाम से हमने पढ़ी थी, वो सारी की सारी क्या थी, साइटोप्लाज्म में मिलती है। तो ये ऑर्गेनलीज को अपने अंदर रखता है, उन्हें जगह देता है अपने अंदर रहने की, ताकि वो काम कर सकें। इसके अलावा ये तीसरा काम क्या जी, ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद देता है, ठीक है जी। चौथा काम इसका क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा होता है कंटिन्यूसली। इसके अंदर क्या होते हैं, बाहर से मटेरियल अंदर आ रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है, एक ऑर्गेनली से मटेरियल साइटोप्लाज्म में आ रहा है, साइटोप्लाज्म से मटेरियल ऑर्गेनली में जा रहा है, न्यूक्लियस से आरएनए प्रोटीन बन के साइटोप्लाज्म में आ रहे हैं, ठीक है जी। आरएनए बन के आता है, राइबोसोमल आरएनए जिसे हम लोग बात करते हैं, प्रोटीन राइबोसोम बनाते हैं जिन्हें कंबाइन करके मैसेंजर आरएनए बनाया जाता है। उसके अलावा राइबोसोमल आरएनए बनाया जा सकता है, ट्रांसफर आरएनए बनते हैं। तो ये डिफरेंट थ्योरीज आती हैं कि ये कैसे बनते हैं, क्या न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस में बन रहे हैं कि साइटोप्लाज्म में बाहर आके बनते हैं। तो जब हम लोग इस टॉपिक में आएंगे तब इसका बात करेंगे। इसके अलावा पानी अंदर आ गया, जरूरत से ज़्यादा पानी है तो इसे बाहर निकालना है, साइटोप्लाज्म के अंदर स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, बहुत से आयंस की मूवमेंट ये करवा रहा होता है, ठीक है, ताकि क्या हो, ग्रेडियंट मेंटेन रहे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या हो वो मेंटेन रहे, उसमें ये इन्वॉल्व होता है। और इसका एक अक्सर जो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट भी करवाता है। इसके अंदर क्या हो रही होती है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट। अगर हम लोग स्ट्रीमिंग मूवमेंट की एक जनरल सी डायग्राम बना के देखें तो ये फर्ज कर लें जी एक सेल है, ठीक है जी, ये क्या है जी, एक सेल है। तो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो लगातार मोशन में होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म लगातार क्या कर रहा होता है, मोशन कर रहा होता है। साइटोप्लाज्म में ये जो मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहा होता है, ये साइटोप्लाज्म की जो मोशन होती है इसे हम लोग स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। इस मूवमेंट के दौरान जो माइटोकॉन्ड्रिया या दूसरी ऑर्गेनलीज हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती हैं, अगर वो साइटोस्केलेटन के अंदर सस्पेंडेड नहीं है तो, ठीक है। ये है जी आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, हम लोग साइटोप्लाज्म को कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं जो कि चार हिस्से हमने पढ़े हैं, फिर हमने साइटोसोल या साइटोप्लाज्म की थ्योरीज पढ़ी फिजिकल नेचर की जो कि पांच हैं, देन अब हम लोग ने पढ़ा कि साइटोप्लाज्म क्या क्या काम कर सकता है। तो ये आज की हमारी वीडियो का टॉपिक था, इसके मतलब अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।